देखिए दोस्तों, आपको पता कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित चुने गए हैं मोहन यादव द्वारा, प्रथम जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए, आपके लिए क्या क्या फायदा होने वाला है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर जो प्रथम कैबिनेट बैठक हुई 13 दिसंबर को यहाँ पर हुई है, और यहाँ पर पहला निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी 2024 से प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी साइबर तहसील योजना। तो यहाँ भी बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है, ठीक है, युवाओं के लिए। नागरिकों को सिंगल विंडो से मिलेगी नामांतरण की सुविधा, ये भी खुशखबरी की बात है। साइबर तहसील परियोजना में वर्तमान 12 जिलों में पायलट परियोजना के तौर पर हो रहा है कार्यान्वयन, इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निर्णय लिया गया यहाँ पर 1 जनवरी, ठीक है, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, खाद्य सुरक्षा वाले देखो, तो प्रदेश में खुले में बिना अनुमति के मांस मछली के विक्रय पर रोक लगेगी, ये जारी हो चुका है। धार्मिक स्थल की मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के अंदर विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। 15 से 31 जनवरी तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा, उस अभियान के तहत यहाँ पर हटाया जाएगा जो इस नियम के उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट है, 2022-23 से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों की जो अंक सूची होंगी ना, वो आपका डिजी लॉकर में अपलोड की जाएंगी, यानी आप अपने मोबाइल पे ही उसको देख सकते हैं और वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी की बात मिलने वाली है। प्रदेश के 16 शासकीय और 53 निजी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा, तो ये भी अच्छे सभी जो है पूरे मध्य प्रदेश के 16 शासकीय और 33 निजी जो प्राइवेट है उन सभी की यहाँ पे, क्योंकि भाई कहीं कोई डॉक्यूमेंट ले जाता था गुम जाते थे, अब घूमने का काम नहीं होगा। नेक्स्ट निर्णय लिया गया, देखिए, वर्ष 2024 में तेंदुपत्ता जो संग्रहण के लिए दी जाने वाली राशि थी वो 3,000 मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर यहाँ पर 4,000 प्रति बोरा यहाँ पर कर दिया गया है, यही बहुत खुशखबरी की बात है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश में सभी जिलों में खुलेंगी पीएम कॉलेज और एक्सीलेंस कॉलेज, तो पीएम कॉलेज खुलेंगे सभी जिलों में और एक्सीलेंस कॉलेज खुलेंगे, तो वहां पर आपकी भर्ती होगी टीचर की, ठीक है, टीचिंग की भर्ती होनी, स्टाफ की भर्ती होगी। जिला मुख्यालयों पर संचालित चयनित कॉलेजों का होगा पीएम कॉलेज एक्सीलेंस के रूप में, जो पहले जिले में जो संचालित हैं उन्हीं को यहाँ पर बनाया जाएगा पीएम कॉलेज एक्सीलेंस के रूप में, ठीक है। छात्रों को गुणवत्ता एवं रोजगार मुखी शिक्षा की होगी संपूर्ण व्यवस्था, और 460 करोड़ की लागत से होगा महाविद्यालय का उन्नयन, तो ये भी बहुत खुशखबरी। तो ये जो प्रथम निर्णय हुई है, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उनके द्वारा ये निर्णय बोल लिए गए मोहन यादव द्वारा, तो ये बहुत खुशखबरी की बात है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक्स।